हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 6 मार्च 2019 की प्रीलिम्स एडवर्टाइज सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ, फिर देखते हैं आज की हमारी न्यूज। पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ इंडिया की लगाया, सॉरी इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर, कौन सा ऐसा कारक है जो हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को सक्सेस करने से पहले मतलब बाधा का काम कर रहा है। सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए कौन सी यहाँ पे बाधा है सबसे बड़ी। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कॉस्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरी, दूसरा दिया गया है चार्जिंग स्पीड, तीसरा दिया गया है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो, आपको बताया हमारे देश में गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पॉलिसी भी लेके आई थी ताकि जो पोल्यूशन है वो भी कम हो सके और हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज हो ज्यादा किया जा सके। बट उसमें हमारे देश के सामने तीन बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो है कि जो लिथियम आयन बैटरी जो यूज होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो इंडिया को बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती है, तो वो काफी महंगी हो जाती है। दूसरा है चार्जिंग स्पीड, कि बैटरी को जो चार्ज करने का टाइम है ना, जिस तरीके से हम देखो फोन में देखते हैं कि जो टर्बो चार्ज वगैरह होता है कि जो 15 मिनट या 20 मिनट में फोन को 40% 50% चार्ज करता है, उसी तरीके से जो चार्जिंग स्पीड है वो बहुत काफी तेज है, वो चाहिए। तीसरा है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। जैसे कि मानो कि किसी भी पर्सन को दिल्ली से मुंबई जाना है तो बीच में जगह जगह पेट्रोल पंप की तरह कुछ ना कुछ चार्जिंग स्पॉट तो जगह जगह चार्जिंग स्पॉट तो होने चाहिए ना, ताकि अपनी गाड़ी को चार्ज करके फिर आगे है वो मूव ऑन किया जा सके। तो इसलिए यहाँ पे सारे के सारे जो फैक्टर है वो अहम हो जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे थेयम को लेके। क्वेश्चन ये है कि थेयम इज ए पॉपुलर रिचुअल फेस्टिवल, तो ये कौन से स्टेट का है। पहला ऑप्शन आपके सामने आंध्र प्रदेश, दूसरा केरला, तीसरा तेलंगाना और चौथा यहाँ पे तमिलनाडु। तो जो थेयम है वो एक्चुअली रिचुअल फेस्टिवल है, वो कहाँ का है, वो केरला का है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम को लेके। तो देखो, ये आपको एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो ध्यान में रखनी है कि रीजनरेटिव जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो कि मेनली यूज होता है वो किस प्रिंसिपल काम करता है, क्वेश्चन है ये। अब आपको थोड़ा बता दूं, देखो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं ना, इनके अंदर सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही यूज किया जाता है मेनली कि भाई जो एनर्जी है वो कम से कम यूज हो और परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिल सके। तो उसमें क्या होता है कि जो ही गाड़ी में ब्रेक लगाए जाते हैं ना, तो एनर्जी है उसको दूसरी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करके मतलब एनर्जी को दोबारा तरीके से भी जनरेट किया जाता है। एक तरीके से जब गाड़ी में ब्रेकिंग सिस्टम यूज होता है तो भी एनर्जी को रीजनरेट है वो किया जाता है, ये होता है रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये एक्चुअली इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एनर्जी है उसको ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते और ना ही उसको आप क्रिएट कर सकते, बस एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर है वो कर सकते हो। तो ये आपको बस फैक्चुअल चीज ध्यान में रखनी है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम में एनर्जी है वो एक्चुअली ना तो क्रिएट की जाती है और ना ही जनरेट है या ना ही डिस्ट्रॉय है वो की जाती है। तो ये आपको एक फैक्चुअल पॉइंट है जो ध्यान में यूपीएससी में भी पूछ ले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है की रिसोल एंड फॉल ईगल, ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, कौन कौन सी कंट्री के बीच में है। पहला ऑप्शन आपके सामने रशिया एंड नॉर्थ कोरिया, दूसरा है यूएसए एंड साउथ कोरिया, तीसरा है रशिया एंड चाइना, चौथा है इंडिया एंड यूएसए। सबसे पहले तो थोड़ा आपको मैं कंटेक्स्ट बता दूं। देखो, कंटेक्स्ट बेसिकली ये था कि आपको पता है कि यूएसए और नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बीच में भी बातचीत है वो हुई थी, और आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में मेनली 36 का आंकड़ा है वो रहता था। खैर, अभी तो दोनों के बीच में रिलेशन है वो थोड़े ठीक ठाक हैं, बट फिर भी दोनों में बनती बहुत कम है। और यूएसए की साउथ कोरिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है वो थे, मतलब काफी अच्छे रिलेशन है वो यूएसए के थे। अब दिक्कत ये आ रही थी कि यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में एक्सरसाइज होती थी मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है की रिसोल और एक है फॉल ईगल। ये एक्सरसाइज थे ना, इसकी वजह से नॉर्थ कोरिया को इश्यू हो रहा था कि भाई ये दोनों है ना हम पे अटैक करना चाहते हैं, नॉर्थ कोरिया को ऐसा लग रहा था। तो नॉर्थ कोरिया के साथ मतलब आपको पता है भी ट्रम्प की बातचीत हुई थी वियतनाम में, तो उसी के दौरान एक्चुअली डिसाइड किया गया कि यूएसए साउथ कोरिया के साथ जो एक्सरसाइज करता है ना की रिसोल एंड फॉल ईगल, ये एक्चुअली बंद है वो कर देगा, ताकि यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो रिलेशन है वो मतलब एक तरीके से शांत किए जा सके, जो काफी बड़ी पूरे विश्व में मतलब तहलका मचा हुआ है उसको शांत करने के लिए। तो ये बेसिकली कंटेक्स्ट था, तो हमने पूरी न्यूज को कवर है यहाँ पे किया है। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 2018 में यूपीएससी ने इस बार पूछा था। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि किसने मेजिनी की बायोग्राफी लिखी थी, गेरिबाल्टी की बायोग्राफी लिखी, शिवाजी की बायोग्राफी लिखी और श्री कृष्णा की बायोग्राफी लिखी। और इसी के साथ वो पर्सन है वो अमेरिका में कुछ टाइम रुका था और वो बेसिकली सेंट्रल असेंबली में भी इलेक्ट है वो हुआ था मेरी। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा था। तो देखो, ये बेसिकली इसका करेक्ट आंसर वो होता है लाला लाजपत राय। तो ये आपको एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी यूपीएससी 2018 में है, वो पूछा गया था। क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दिए गए और हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई करना है। पहला यहाँ पे है कि आधार कार्ड है वो एक सिटीजन्स के प्रूफ तौर पे भी यूज किया जा सकता है और इसके साथ डोमिसाइल के प्रूफ के तौर पे भी यूज है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट ये है कि आधार कार्ड एक बार इश्यू हो जाता है तो ना तो इसको डीएक्टिवेट किया जा सकता है और ना ही इसको खत्म है वो किया जा सकता है, जो भी इसकी अथॉरिटी है वो इश्यू वगैरह करती है। तो आप देखिए एक बार थोड़ा टेक्निकल सोचिए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि कोई भी अथॉरिटी किसी चीज को जारी करे और फिर उसको डिस्ट्रॉय या मतलब उसको डीएक्टिवेट नहीं कर सके? तो ये तो काफी इनलॉजिकल बात हुई। इसी के साथ आपको पता है कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसका आधार कार्ड है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट तो साफ साफ गलत है। पहले स्टेटमेंट को आप देखिए, पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आधार कार्ड कैन बी यूज एज द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। देखो भाई कोई लेना देना नहीं है डोमिसाइल का, कोई भी एक तरीके से मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है और ना ही सिटीजनशिप की बात है, क्योंकि ये कोई पासपोर्ट थोड़ी है, यह तो हमारे देश में एक आइडेंटिटी के लिए है कि भाई आपकी आइडेंटिटी, हाँ आपका नाम ये है या आप यहाँ ऐसे बिलोंग है वो कर रहे हो। तो डोमिसाइल का भी कोई जरूरी नहीं, कोई एड्रेस तो इसमें चेंज करवा सकते हैं। इसी का सिटीजनशिप है उसका भी कोई पासपोर्ट थोड़ी है, तो इसका मतलब पहला स्टेप भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर ए और बी। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है पहला वो आया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को लेके, नहीं नाडा को लेके। देखो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है ना, ये बनाई गई थी बेसिकली सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, आपको ध्यान में रखना है 1890 जो कि 2005 के एक्ट है, इसको अमेंडमेंट है वो किया गया था। तो एक तो फैक्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि नाडा को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर है वो क्या गया है। अब इसका काम क्या है, देखो आपने जो फिर क्रिकेट नहीं, इसके अलावा आपने जो भी रेसिंग वगैरह में नाम सुना होगा कि डोपिंग का चार्जेस वगैरह लगे, मतलब वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो ड्रग्स वगैरह जिनका मेनली स्पोर्ट्स में बैन है वो कह देते हैं कि भाई आप ये ड्रग्स यूज नहीं कर सकते, जैसे कोई भी एल्कोहल हो या फिर और भी तरह तरह के ड्रग्स हैं होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम या कहीं ना कहीं बॉडी को ऐसा इफेक्ट करते हैं जिससे मतलब कहीं ना कहीं गलत इफेक्ट है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो डोपिंग जो स्पोर्ट्स सेक्टर में होती है उसके जो रेगुलेशन, इसकी गाइडलाइंस है, इसके लिए नाडा का निर्माण है वो किया गया है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया कि जो एंटी डोपिंग रूल्स हैं इनको एक तरीके से अप्लाई है वो करती है, इसके साथ ही जो डोपिंग कंट्रोल के कुछ इशूज हैं उनको प्रोग्राम जारी करती है, जो खिलाड़ी होते हैं उनको बताया जाता है कि भाई आप इन इन जो मेडिसिन या इन ड्रग्स का यूज़ नहीं कर सकते जो टाइम लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंग। इसके साथ ही एजुकेशन और रिसर्च को प्रमोट करती है और अवेयरनेस फैलाती है डोपिंग और इसके जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उन सबको लेकर। तो आपको ध्यान में रखना है नाडा के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे आर्टिकल है वो है कोले वेटलैंड्स को लेके। देखो जो कोले वेटलैंड्स हैं ये है एक्चुअली केरला में, ये आपको ध्यान में रखना है। केरला में त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट है, स्वर्गीय त्रिशूर एक जगह है, वहाँ पे बेसिकली ये कोले वेटलैंड है वो स्थित है। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि ये रामसर साइट्स में भी इंक्लूड है और इसी के साथ ही है इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है। और एक फैक्ट ये है कि केरला में जितना राइस का प्रोडक्शन होता है उसका 40% जो राइस प्रोडक्शन है वो तो अकेले कोले वेटलैंड वाले एरिया में ही होता है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है और इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है। इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि यह सेंट्रल एशियन फ्लाईवे ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, सेंट्रल एशियन। देखो आपने एक सेकेंड थोड़ा जैसे ये देख लो, ये तो हो गया हमारा इंडिया, ये यहाँ पे हो गया हिमालय और ये यहाँ पे हो गया रसिया वाला एरिया हो गया, ये हो गया। अब देखो आपको पता है कि सर्दियों में और गर्मियों में क्या पक्षी माइग्रेट करते हैं, जैसे सर्दियों में क्या होता है रसिया हम बात करें सेंट्रल एशिया की तरफ से पक्षी हैं वो इंडिया की तरफ आते हैं और वो साउथ तक जाते हैं, तो एक तरीके से उनके लिए साउथ में भी अगर हम बात करें तो और भी नीचे ऑस्ट्रेलिया तक भी पक्षी हैं वो जाते हैं, या फिर बात करें हम इंडोनेशिया उधर तक भी शिफ्ट है वो होते हैं। तो एक तरीके से जो यहाँ पे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है ना, इसका एक तरीके से रास्ता होगा कि भाई वो इस रास्ते से होके जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना कि कोले वेटलैंड है वो सेंट्रल एशियन जो फ्लाईवे मतलब पक्षियों का जो रूट है ना इसके रास्ते में यहाँ पे होके घुसता है माइग्रेट बर्ड्स के लिए। तो ये आपको यूपीएससी में भी पूछ सकती है स्टेटमेंट के थ्रू। इसके साथ यहाँ पे फ्रेश वाटर की जो फिश स्पीसीज हैं काफी वो पाई जाती हैं जो कि इस एरिया की इंडेमिक हैं और साउथ वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं। तो एक तो यूपीएससी पूछ सकती है कहाँ पे, साउथ वेस्टर्न घाट में, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही देखो इस वाले एरिया में क्या है कि सैंड और जो क्ले की माइनिंग होती है ना वो कहीं ना कहीं फिशरीज और जो और सिस्टम है ना जैसे कि वहाँ पे जो एक्वाटिक रिसोर्सेज हैं इनको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। तो उसी को लेके अभी न्यूज भी आई थी, तो उसी को लेके अभी कंटेक्स्ट था तो हमने इसको कवर किया है कि भाई कोले वेटलैंड्स है वो है क्या, कोले आदर भूमि। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे आर्टिकल है वो है यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अब क्या है यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं।
देखो आपने साइट्स का नाम सुना होता, साइट का मतलब क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा, जो कि बेसिकली आपको पता है इसमें तीन अपेंडिक्स हैं, पक्षियों या हम बात करें एनिमल हो प्लांट हो इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें अपेंडिक्स वन है, अपेंडिक्स टू, अपेंडिक्स थ्री है। जिस तरीके से हमारे देश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें उसमें बेसिकली पांच या छह शेड्यूल बनाए गए हैं, सबसे शेड्यूल फर्स्ट में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दी गई है, फिर उससे कम, इस तरीके से उसी तरीके से साइट्स में तीन अपेंडिक्स बनाई गई हैं। एक अपेंडिक्स वन में काफी ज्यादा सिक्योरिटी है, जो काफी थ्रेटेंड स्पीसीज हैं उनको कवर है, वो क्या गया है। तो देखो एक कन्वेंशन जब हुई थी, मतलब बेसिकली जो साइट्स का निर्माण हुआ था, जो कन्वेंशन हुई थी साइट्स की, इसी को यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के तौर पे हर साल है वो मनाया जाता है। मतलब जिस दिन साइट्स का निर्माण हुआ था या जो कन्वेंशन हुई थी इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की, उसी दिन को यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के तौर पर मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका एम ये है कि जो वर्ल्ड की वाइल्ड लाइफ एनिमल और जो प्लांट्स है ना, फौना एंड फ्लोरा, इनके लिए के यह अवेयरनेस है वो करती है, मतलब अवेयरनेस का काम करती है। इसी के साथ इस बार 2019 की जो यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम थी वो थी लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लेनेट। देखो ऐसा पहली बार हुआ है कि जो पानी के बिलो, मतलब पानी की जमीन, पानी की सॉरी नीचे भी जो एनिमल्स रहते हैं या जो प्लांट्स हैं उनको भी यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है, भाई उनको भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के तौर पे जो पानी के नीचे जो जानवर है, लाइफ है, उसको भी फोकस है वो यहाँ पे किया गया है। इसी के साथ आपको पता है कि जो ओशियन वाटर रिसोर्सेज हैं इनको भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट रखे हैं 17 उसमें से 14 टारगेट में कवर किया गया है कि भाई जो मरीन प्रोडक्ट है इनका भी हमें सस्टेनेबल ढंग से यूज करना है, उनको भी एक्सप्लोइट नहीं करना है। इसके साथ अपना फैक्ट दिया गया है कि देखो जो ओशियन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो हर साल बात करें तो लगभग 3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू के थ्रू इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। और इसी के साथ पूरे वर्ल्ड की जितनी जीडीपी है इसका 5% जो हिस्सा है वो तो अकेले ओशियन से ही हमें मिलता है। इसके साथ ये दिया गया है कि लगभग 40% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, ग्लोबल जो आजीविका है, वो तो ओशियन पे ही डिपेंड करती है, चाहे खाने को लेकर मान लो, चाहे कल्चर के तरीके से या फिर स्पिरिचुअल वैल्यू के नजरिए से। तो ऐसे कुछ फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। इस बार की देखो ये थीम है, हर साल 3 मार्च को मेनली वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो सॉरी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है वो मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक फैक्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहली बार जो मतलब पानी के नीचे जो जानवर रहते हैं या प्लांट रहते हैं उन सबको भी यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है, उनको भी हमें प्रोटेक्ट है वो करना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर को लेकर। देखो ऑर्बिटेशन सेंटर क्या होता है, ऑर्बिटेशन का मतलब होता है मध्यस्थता। आपको पता है जिस तरीके से दो दोस्तों में लड़ाई होती है तो बीच में कोई ना कोई मीडिएटर आने की कोशिश करता है ताकि मध्यस्थता से मामला सुलझा जा सके, सेम वही लॉजिक यहाँ पे है। देखो क्या होता है कि इंडिया के अंदर हम बेसिकली इंडिया के नजरिए से इसको डिस्कस करते हैं। इंडिया में क्या होता है कि बाहर की जो बड़ी कंपनी है ना, MNC वगैरह, वो आती है ना तो उनको एक डर रहता है कि यार इंडिया का जो जुडिशियरी सिस्टम है वो सही ढंग से काम नहीं करता है, काफी डिले रहता है, तो कोई कुछ भी इश्यू हो जाए तो क्या करती है मध्यस्थता के लिए जो टॉप की वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं जहाँ पे एक्चुअली ऑर्बिटेशन सेंटर बने हुए हैं, जिस तरीके से सिंगापुर में बना हुआ है या फिर हांगकांग में बना हुआ है, तो उन सेंटर में वो जाती हैं केस लेके कि देखो भाई इंडिया हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, आप खुद ही मध्यस्थता करके सोल्यूशन प्रोवाइड करवाइए। तो एक्चुअली क्या है कि इंडिया में भी देखा जा रहा था कि यार काफ़ी सारी दिक्कत हो रही है, देखो इसका गवर्नमेंट को भी बहुत नुकसान होता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लो, ये मान लो कि एप्पल कंपनी है और वो इंडिया में इन्वेस्ट करे, उसका कोई भी इश्यू हो गया, अगर वो ऑर्बिटेशन के लिए सिंगापुर जा रही है, इसका मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट को भी अपने बचाव के लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई तो जज वगैरह है, भी कोई ना कोई लॉयर को तो भेजना पड़ेगा ना, ताकि वो मतलब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट वहां पे करें। तो ऑब्वियसली काफी सारा गवर्नमेंट का खर्चा भी होता है फालतू में, और कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि कॉस्ट बढ़ जाती है और इंडिया की वैल्यू भी थोड़ी डाउन होती है कि यार इंडिया के केस है और दूसरी कंट्री सोल्व कर रही है। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हैं क्या अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक हम स्टेचुरी बॉडी बनाएंगे, जिस जो कि स्टेचुरी बॉडी के तौर पर मतलब एक्ट के तौर पे काम है वो करेगी, जिसका नाम होगा न्यू दिल्ली इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर। ये क्या काम करेगी, ऑर्बिटेशन का काम करेगी कि भाई इंडिया के अंदर जो भी MNC वगैरह कोई भी कंपनी के केसेस होंगे ऑर्बिटेशन को लेके, वो इंडिया के बाहर ना जाए, इंडिया के अंदर ही उनकी मध्यस्थता के द्वारा मामला निपटा दिया जा सके। तो अभी इसके लिए एक अध्यादेश लाया गया है और वो अभी पारित कर दिया गया है, तो उसी को लेकर न्यूज आई है। देखो जब बाद में सेशन वगैरह लगेंगे पार्लियामेंट के तब इसको एक्ट के तौर पे बदला जा सकता है, बट अभी एक या एक तरीके से अध्यादेश के थ्रू इसको पारित है वो क्या गया। तो एक तो आपको ध्यान में रखना है कि एक स्टेचुरी बॉडी के तौर पे काम करेगी, काम क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। इससे पहले भी देखो हमारे देश में एक बॉडी थी जिसका नाम था इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो कि 1995 में बनाई गई थी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत,
बट अभी वो ढंग से काम नहीं कर रही थी और उसके काफी सारे मतलब डिसएडवांटेज भी थे, बहुत सारे उसको पावर भी नहीं दी गई थी, और इसीलिए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन डे है वो न्यू दिल्ली में बनाया जा रहा है। अब इससे कुछ मेंबर वगैरह हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इसके बेसिकली एक तो उसमें होगा चेयरपर्सन, इसके साथ ही इसमें दो प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे जिनको इंटरनेशनल और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन या मध्यस्थता का नॉलेज हो। इसके साथ ही इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव भी होगा जो कॉमर्स जो बॉडी है हमारे देश की रिकॉग्नाइज बॉडी वहां से, और इसी के साथ ही इसमें सेक्रेटरी होंगे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के, और इसी के साथ इसमें फाइनेंशियल एडवाइजर भी होंगे सॉरी, और इसी के साथ इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो भी होंगे। तो ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके इफेक्ट यूपीएससी में भी पूछ सकती है। इसके साथ ही क्वालिफिकेशन में ये रखा गया कि जो चेयरपर्सन है वह तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जज होना चाहिए इंडिया से, या फिर कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसको नॉलेज हो या एक्सपीरियंस हो जो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ऑर्बिट्रेशन से रिलेटेड। इसके साथ ही जो चेयरपर्सन है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्ट से। तो ये सारे फैक्ट यूपीएससी आपको पूछ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार इसको वीडियो को वापस रिवाइज वो कर सकते हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट एक बार हल्के से न्यूज है आपको उसे देख लेना। यह रेड फ्लैग 2019, देखो रेड फ्लैग जो 2019 एक्साइज है वो एक्चुअली यूएसए या हम नाटो कंट्रीज हैं उनके बीच की है। तो मे बी यूपीएससी की बार मेज द फॉलोइंग वगैरह में पूछ ले तो ध्यान रखना, भाई इंडिया का कोई लेन देना यहाँ पे नहीं है, बस न्यूज में थी तो हमने एक बार इसको थोड़ा यहाँ पे देख लिया। ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।